नहीं। तो मेन जो हमारे पास है इस एक्सरसाइज 1.3 में आपसे कहेगा कि इरेशनल नंबर्स को प्रूव करिए। और इरेशनल नंबर कौन से? एक तो प्योर इरेशनल नंबर और एक मिक्स्ड इरेशनल नंबर। दोनों का मेथड थोड़ा सा अलग है और मिक्स वाले का तो और ज्यादा इजी है। अब मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ, वो समझो, वो चीज दिमाग में रखना, तब हम क्वेश्चन पूरा करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या क्या बता रहा हूं वो सुनो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। ठीक है बेटे, को प्राइम नंबर्स। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम इसको प्राइम नंबर्स कह दें, ठीक है? को प्राइम नंबर्स बिल्कुल अलग होता है। ये लाइट अनुज जला लो, अर्जुन ये वाली लाइट्स ऑन कर दो। तो को प्राइम नंबर, आतिफ है क्या यहाँ? बुलान। तो को प्राइम नंबर्स जो हमारे होते हैं, प्राइम नंबर्स नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, मान लीजिए रैशनल नंबर है बेटे 6/4, तो ये 6/4 रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किसमें नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। तो होगा क्या, धुन सुन लीजिए, 2 3 6 एंड 2 2 4। आतिफ को बुला लो। अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3/2। फातिमा को कॉल करके बुला लो, सर बुला रहे, अब आ जाएं, सुबह आ जाएं जब उन्हें आसान। तो हमारे पास 3 2 हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 6 जो हमारे पास नंबर है बेटे, जो 6 हमारे पास नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है, और 4 जो है वो भी क्या नाम है, 2 से डिविजिबल। तो दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब हमारे पास आ गए 3/2। अब आप देखोगे 3/2 किसी से डिविजिबल नहीं है, दे आर डिविजिबल जस्ट बाई 1। या आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, इसमें सारे आ सकते हैं। तो इसमें ये शर्त नहीं है कि कंपोजिट होगा वही को प्राइम कहलाएगा या प्राइम होगा वही कहलाएगा। दो की बात कर रहे हैं, दो को कंपेयर करो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये वीडियो ऑफ करो बेटे, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, मान लीजिए आपने लिया 5, अब 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 9 भी आ सकता है, 5 के साथ 11 भी आ सकता है, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, बट उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी डिविजिबल ओनली बाई 1, देयर HCF मस्ट बी 1। तो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, और दो ही नंबर होंगे क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इन रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। कि रैशनल नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिससे कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब समझ में आ गया सब बच्चों को कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? यस सर। दे आर नॉट स्पेसिफिक नंबर कि नहीं सर 5 को प्राइम, नहीं 5 नहीं होता, 5 किसके साथ को प्राइम है ये देखना पड़ेगा। क्लियर? तो पहली चीज तो को प्राइम नंबर हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटे कि भाई हमारे पास है सपोज करो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। अब आप सब बच्चे ध्यान से देखो, 36 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है? 36 किस प्राइम नंबर से, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, 36 इज डिविजिबल। वो जो क्वेश्चन है ना वो तो मैं आपसे कहता 3 मिनट में समझा देता, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लाइनें हो जाता, लेकिन कहां से स्टेप्स आ रहे हैं, कौन सी चीजें हैं वो सीखना है मेन पार्ट, फिर इंशाल्लाह जिंदगी भर आपके पास याद रहेगा ये चीज, आप दूसरों को भी बता सको। हम कह रहे हैं 36 इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 2। तो आप जरा ध्यान देंगे 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 6 is also divisible by this prime number 2. Yes or no? ये बताओ। Yes sir. अब सोचो, अब फिर मैं दूसरा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटे कि भाई 36 is divisible by prime number 3. तो जो जिस उसका स्क्वायर रूट है 6 is also divisible by 3. Yes or no? Yes sir. ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इफ ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल
by any prime number P, then A is also divisible by P. दूसरी चीज ये, पहली चीज हमने कहा co-prime, दूसरा हम कह रहे हैं क्यों नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही श्वेब, आवाज आ रही है जोया? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। गुड, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। श्वेब बेटे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो रीजॉइन करो, दोबारा से कनेक्ट करो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर पी, देन द नंबर इटसेल्फ इज आल्सो डिविजिबल बाय पी। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड एंड लास्ट, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, कहानी खत्म, पूरी एक्सरसाइज खत्म इंशाल्लाह एक ही बार में। शाबाश, आ जाओ जरा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक चीज होती है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्टरी या कंट्राडिक्शन, विरोधाभास किसे कहते हैं, इख्तलाफात, कोई चीज अगेंस्ट, कोई मुझे बताएगा कंट्राडिक्टरी मेथड, कंट्राडिक्शन क्या, इससे कुछ समझ में आता? सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, मैं सिर्फ इंग्लिश मीनिंग पूछना चाह रहा हूं। नहीं आता। नहीं यार, चलो आओ। एक्चुअली क्या है कंट्राडिक्शन, हम ये कहते हैं, सपोज करो हम किसी चीज को कुछ सोच के चल रहे हैं और आगे जाके पता चले अरे यार ये तो है नहीं, तो हम कहते हो गलती हो गई भाई। अब उसमें भी क्या है, अगर दो ऑप्शन हो, दो ऑप्शन क्या है, मान लीजिए हम इस सड़क पे खड़े हैं, सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझिए, लास्ट चीज है बस, फिर सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ये सड़क है हमारे पास, जस्ट सपोज, तो इस सड़क पे क्या है, इस सड़क पे सिर्फ राइट और लेफ्ट ही है, ओनली ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, अब हुआ क्या कि भाई राइट साइड जो है वो जामिया का रास्ता है मान लो, और लेफ्ट साइड जो है साहब कालिंदी कुंज का रास्ता है। अब आप बाहर निकले, मान लीजिए इस ऑफिस में आप थे या घर में आप थे, आप बाहर निकले, और जैसे ही आपने बाहर निकले आपने सोचा कि भाई लेफ्ट साइड गोज टू जामिया, क्या सोचा आपने, लेफ्ट साइड गोज टू जामिया। अच्छा, आपको इतना पता था कि अगर मैं जामिया की तरफ को चलूंगा, मान लो मैं सपोज करो अबुल फजल में हूं, तो भाई आगे पुलिस स्टेशन आएगा, फिर भाई ओखला हेड आएगा, फिर तिकोना पार्क होटल्स आएंगे, फिर आगे जो है हमारा स्कूल जामिया आएगा, फिर यूनिवर्सिटी आ जाएगी, या मेट्रो स्टेशन आएगा फिर जामिया यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो कम से कम हमें रास्ते में आइडिया था कि ये आना, और हमें ये भी पता था कि कालिंदी कुंज जाना है तो सर जमुना आ जाएगी, फेंसिंग शुरू हो जाएगी, किनारा चलेगा, रेत का टीला आ जाएगा, फिर कालिंदी कुंज पहुंच जाएंगे। अब आप चल दिए लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड चलते ही आपको एहसास हुआ अरे तो रेत का टीला आ गया, आगे चले तो फेंसिंग आ गई, तो क्या हुआ इसका मतलब, आपने जो एज्यूम किया था कि दैट लेफ्ट साइड गोज टू जामिया, तो रिजल्ट्स जो है क्या आने चाहिए थे, रिजल्ट्स आने चाहिए थे थाना आना चाहिए था, ओखला हेड आना चाहिए था, तिकोना पार्क आना चाहिए था, बट आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंट्राडिक्टरी, समझ में आया, कंट्राडिक्टरी अगेंस्ट आपने जो सोचा उसके अगेंस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे मानव के उल्टा रिजल्ट। यस, वेरी गुड, जो हमने एज्यूम किया, लेट एज्यूम, फर्स्ट एज्यूम किया, उस वजह से कंट्राडिक्टरी आया। अब अगर उस वजह से कंट्राडिक्टरी आ रहा है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया और वी हैव ओनली टू चॉइसेस, आइदर लेफ्ट और राइट, तो क्या आप श्योर हैं कि राइट साइड जामिया जा रहा है? यस सर। यस सर। जोया समझ में आ गई बात? यस सर। बिल्कुल क्लियर कि भाई हमने दो ही तो चीजें थी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, हम चले, हमने मान लिया, पहले ही हमने कह दिया यस इट इज, हम इधर जाएंगे, लेकिन आगे जाने के बाद हमें कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स मिले बेटे। तो कंट्राडिक्टरी क्यों मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन।
What is wrong assumption? The left side goes to Jamia. So left side is not going to Jamia. Hence proved right side is going to Jamia. Clear hai ya nahi hai? Yes sir. ये चीजें करेंगे. अब इसको मैं कैसे मिलाऊं? कि भई हम कहाँ पढ़ रहे हैं? इसको बेटे मैं यहाँ मिला सकता हूँ. Because we have only two types of number. One is rational and another is irrational. दो के अलावा है ही नहीं. तो जो रेशनल नहीं है वो क्या होगा? इरेशनल होगा अपने आप. और जो इरेशनल नहीं है वो क्या होगा? रेशनल. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. आओ चलो बस कहानी खत्म हो गई. 3 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह आपका पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. यस सर. देखो शाबाश. हम क्या कह रहे हैं और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो प्योर इरेशनल नंबर्स हैं वो एक में ही हो जाएंगे. जब हम एक की स्टेप्स लिख देंगे बस उसी पे ही सारे क्वेश्चंस होने. अभी चेक भी करेंगे इंशाल्लाह. हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है बेटे प्रूव दैट जहां पे आपको समझ में ना आए. तीनों चीजें साथ में रखिए. कौन कौन सी चीजें? को प्राइम नंबर्स. ठीक है. इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर देन नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय प्राइम नंबर एंड द कंट्राडिक्टरी मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड जो भी हम. तो प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. ये बेटे हमारे पास इतना सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए और एग्जाम के बाद अज्यूम करने के इरेशनल है. अरे वाह चलने लगा दिमाग माशाल्लाह से. गुड. दूसरी क्लास में शाबाश बहुत अच्छे. जी बेटे अज्यूम करेंगे. भी एक सेकंड दीजिए मुझे. अल्लाह चलिए भाई. सुएब आवाज आ रही है बेटे? अब गुड. चलो शाबाश. आइए तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से सॉल्यूशन ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. हमें करना है कि रूट टू इरेशनल है बट हम पहले से ही गलत लेके चल रहे हैं. या कह लीजिए गलत या सही तो बाद में सोचेंगे. लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर. ठीक है भाई. अब हम क्या कह रहे हैं, ये रैशनल है. अगर कहीं जाके हमें लगा कि नहीं ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? इरेशनल. अपने आप ही, क्योंकि दो ही तरह के नंबर हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल. तो लेट रूट टू इज अ रैशनल. अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू में लिखते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. तो अब हम क्या कह रहे हैं, लेट देयर एग्जिस्ट. आप जिस तरह से चाहे लिख सकते, दोनों चीजें लिख के दिखा रहा हूं. लेट देयर एग्जिस्ट P and Q co-prime numbers. Co-prime numbers. क्योंकि जो रैशनल होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. को-प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए आपको कि co-prime numbers वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं, किसी और से डिविजिबल नहीं होते. Let there exist P and Q co-prime numbers and Q is not equals to zero. Such that या where जो भी आप लिखना चाहो root 2 is equals to p by q. कुछ समझ में आया हमने क्या लिखा? कि भाई root 2 rational है और अगर root 2 rational है तो जाहिर सी बात है p by q की form में होगा. लेकिन p और q क्या है? co-prime numbers हैं और q zero नहीं है. आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं root 2 is rational number such that root 2 is p by q और फिर यहाँ bracket में लिख सकते हैं p and q are co-prime number. Steps आप अपने हिसाब से लिखेंगे बट क्लियरिटी होनी चाहिए कि टीचर्स को आपकी नॉलेज पता चले कि आपको सब कुछ पता है. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो इट इज योर चॉइस, पहले स्टेप्स लिख दीजिए या ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दीजिए. गुड. अब जरा प्लीज ध्यान से देखो जो जो हमने पढ़ा है बस उसको मिलाते जाना. क्वेश्चन तो सॉल्व अपने आप होता चला जाएगा बेटे. स्क्वायरिंग कर दीजिए बेटे बोथ साइड. Squaring both sides. On both sides. इस एक क्वेश्चन से 50% एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, सिर्फ दूसरा वाला बचेगा. तो इसलिए ध्यान से समझिए, जागते रहिए. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा p square upon q square. q square को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ p square is equals to 2q square. आ जाएगा?
या नहीं? Yes, sir. 2 square. P square is equals to 2 Q square. Yes or no? Yes, sir. अब आप yes, खुद sir. सोचो, अब आप खुद सोचो, अगर मैं बेटे ऐसे कहूं कि ये 12 है और यहां मैं इसको 12 को लिख दूं 2 into 6 या 2 का स्क्वायर into 3, सपोज करो 4 3 जा 12, तो क्या आप ये कहोगे कि 12 का एक फैक्टर तो 2 का स्क्वायर है, 12 इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा? भाई 12 के दो फैक्टर, 2 का स्क्वायर है, 3 12 के तो फैक्टर्स है ना, 12 के दो फैक्टर्स हो गए, ये इनटू में लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इनटू 3, तो आप कह सकते हो 2 स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 12. क्या आप ये भी कह सकते हो कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12? यस yes, सर, कह सकते हो yes, ना sir. तो जरा yes, तो जरा बेटे यहाँ देखना क्या आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर? यस सर. भाई 2 q स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 q स्क्वायर का मतलब है 2 * q स्क्वायर, तो एक फैक्टर हो गया 2 और एक फैक्टर हो गया q स्क्वायर, तो मुझे q स्क्वायर से तो कोई मतलब है नहीं, मुझे तो नंबर से मतलब है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सो p स्क्वायर इज डिविजिबल, भाई फैक्टर है तो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है प्राइम नंबर लिखने की, प्राइम नंबर 2. यस और नो? सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आ गई? सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 2. अब जो हमने पढ़ा था स्क्वायर है ये और प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि p भी डिविजिबल होगा 2 से? यस सर. अभी जो हमने पढ़ा था ना बेटे ऊपर, अभी हमने क्या पढ़ा था, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर p, देन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो डिविजिबल बाय p, ये पढ़ा था ना? यस सर. तो अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बेटे p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और 2 प्राइम नंबर है, तो p भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, सो p इज आल्सो डिविजिबल by 2. अब आपको यहाँ एक चीज बस ध्यान रखनी है, बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि सर ये क्या हुआ, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ ये पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम डिविजिबल है. कोई भी आप नंबर दुनिया का उठा लीजिए, 2 है तो 1 टाइम डिविजिबल है, 4 है तो वो 2 टाइम डिविजिबल है, 10 है तो वो 5 टाइम डिविजिबल है, तो हम p को भी यही लिख लेते हैं कि p कितने टाइम डिविजिबल है, तो लेट p इज डिविजिबल बाय 2, कुछ भी आप ले लीजिए m टाइम्स, तो इसको हम 2m लिख रहे हैं. ये बात सबको समझ में आ गई कि p is equals to 2m. कोई भी आप नंबर लेंगे, p अगर 2 से डिविजिबल है तो हम कह रहे हैं m टाइम्स डिविजिबल है, m का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मे बी पॉसिबल m1 हो, मे बी पॉसिबल 2 हो, तो इसको हम यहां 1 में रख सकते हैं, पुट इन 1. अगर 1 में रखोगे p की जगह आप 2m, तो ये बेटे कुछ ऐसे हो जाएगा 2m का स्क्वायर, और कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की, 2q स्क्वायर. 2m का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 4m स्क्वायर. 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? यस सर. यस सर. तो क्या हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर? यस सर. नो? Yes, sir. तो क्या q के दो फैक्टर आ गए अब? Yes, sir. तो q स्क्वायर का फैक्टर क्या आ गया? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. यस और नो? यस सर. लेकिन बेटे अगर आपने ये लिख दिया तो क्वेश्चन भी तो यही खत्म हो गया. यहाँ आप कह रहे हो q 2 से डिविजिबल है और यहां आप कह रहे थे बेटे कि p 2 से डिविजिबल है, तो p और q दोनों किससे डिविजिबल हो गए? 2 से. तो दोनों p 2 से डिविजिबल हो गए या नहीं हो गए? हो गए. तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे? सो p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2. लेकिन p और q कैसे नंबर हैं? कुछ याद है? हमने जो सबसे ऊपर सपोज किया था co prime नंबर किन्हें कहते हैं सर? जिनका फैक्टर 1 हो. और यहाँ इनका फैक्टर क्या आ गया दोनों का?
टू, तो क्या ये कोप्राइम है? नो सर। क्यों भाई? अगर P और Q दोनों का फैक्टर अदर देन वन आ गया तो ये कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम नहीं है तो क्या मतलब आया? कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। तो अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो रूट टू क्या है? इरेशनल। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। इतना ही करना था, बस लिख दो यहाँ P एंड Q बोथ आर डिवाइडेड बाय टू, इट इज कंट्राडिक्शन। P and Q are co-prime. किस वजह से हुआ? It is due to wrong assumption. Hence, अगर हमारा assumption ही wrong है, hence root 2 is an irrational number. सब बच्चे बताओ, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? हाँ भाई सर, दोबारा से आओ सर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी आ जाओ, हम तो खुद ही कह रहे हैं, दोबारा से आओ। हम क्या कह रहे हैं आपसे? हम ये कह रहे हैं आपसे कि सर, सब बच्चे ज़्यादा ध्यान से प्रूफ करो, प्रूफ करो रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रूट थ्री। तो आप कहां से लोगे भाई? आप कहोगे लेट, लेट रूट थ्री इज ए रैशनल, यस और नो? यस सर। तो आप क्या कहोगे? देयर एग्जिस्ट पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही कहोगे ना? यस सर। तो यहां क्या आ जाएगा टू की जगह? सच दैट रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा? थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यस और नो? यस सर। फिर क्या होगा सर? फिर हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, टू की जगह थ्री कर रहा हूँ, इसीलिए कहा था सारे एक से हैं। तब आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे बेटे? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर थ्री, और थ्री अगर प्राइम नंबर है तो क्या पी भी थ्री से डिविजिबल होगा? यस सर। अगर P 3 से डिविजिबल होगा तो क्या मैं इसको 3m मान लूं? यस सर। मल्टीपल ऑफ 3m टाइम्स, तो जरा इसे 1 में रखना बेटे, ऊपर देखो 1 हमारा क्या है? 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 नहीं है बेटे, 3q स्क्वायर, इस बार 3 है ना? तो आपके पास क्या आएगा बेटे? 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, q स्क्वायर। अब 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9m स्क्वायर। 9m square. Yes. 9m square. Good. समझ तो रहे हो माशाल्लाह से आप बच्चे सब, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की, बस 5 रखोगे 5 आ जाएगा, इसी तरह से 7 रखोगे 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटे 9m square is equals to 3q square, 3 से cancel 3, तो क्या आ गया? q square is equals to 3m square. तो अब आप क्या कहोगे? q square किससे divisible है? 3 से। और Q किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो P एंड Q दोनों किससे डिविजिबल होंगे? 3 से। 3। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया नहीं आ गया? यस सर, फिर से कंट्राडिक्शन आ गया। समझ में आया बेटे या नहीं आया, आप बताओ जल्दी से। यस सर आ गया। यस सर, मुबारक हो, इतनी सी बात थी बस, क्लियर है? यस सर। गुड, वेरी गुड। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्या आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड करिए तो नेचुरल नंबर आएगा। 2+3 5, 10+20 30, तो दोनों नेचुरल होंगे तो सम भी नेचुरल आएगा। ध्यान रखना माइनस का नहीं पता, अगर टू नेचुरल नंबर्स को माइनस करोगे तो नहीं मालूम। तो नेचुरल नंबर क्लोज होते हैं प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी नेचुरल आएगा। 2 3 6, 10 2 20, 1500 × 200, 3000 30000, व्हाटएवर जो भी आएगा, तो आएगा नेचुरल नंबर, लेकिन डिवीजन में नहीं होता है, डिवीजन का नहीं पता। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन।
अब इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में देखो होता क्या है, इंटीजर को अगर इंटीजर में प्लस करोगे इंटीजर ही आएगा, इंटीजर को इंटीजर में माइनस करोगे तब भी इंटीजर आएगा। जेड से इंटीजर हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इंटीजर को इंटीजर में मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर आएगा, ठीक है सर, तीनों के लिए क्लोज होता है। लेकिन अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो ध्यान से देख लीजिए रैशनल आएगा, वो भी शर्त यह है कि नीचे वाला इंटीजर जीरो ना हो। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, आगे समझ में। अब देखो बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, किसी भी तरह का उठा लीजिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं मिक्स वाले, एग्जांपल 10, 11, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं एग्जांपल 10 ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, जो हमने पीछे किया वो कुछ नहीं करना है। हम क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहा है शो दैट इट इज रैशनल। आप यहां से स्टार्ट करोगे, लेट 5 - √3 is a rational number. So let 5 - √3 is equals to p by q, where p and q आप integer लिख लीजिए, co prime लिख लीजिए, कुछ लिखिए, यहाँ co prime की भी मुझे जरूरत नहीं है। p and q are integers and Q is not equals to zero. अब आपको करना क्या है, देखो बेटे एक लाइन करनी है बस, एक लाइन क्या करनी है। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन दिया वहां मेंशन किया उसने, शो दैट 5 - √3 इज रैशनल, ठीक है, वेयर, ये क्वेश्चन में मेंशन था और यहां भी क्वेश्चन में मेंशन ही है एक तरह से, वेयर √3 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, अगर गिवन भी नहीं है तो अंडरस्टूड है, अदरवाइज मेंशन करा है, बोर्ड तो करता है कि आपको ये शो करना है कि 5 - √3 इरेशनल है, जहां पे √3 हमें ऑलरेडी गिवन है कि इरेशनल है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने यहां से सॉल्यूशन से लिया कि लेट 5 - √3 इज रैशनल, हमने सपोज कर लिया इट इज पी बाई क्यू फॉर्म, बता दिया पी एंड क्यू इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है। अब आपको क्या करना है, सब बच्चों को प्लीज ध्यान से देख लीजिए, करना यह है कि जो इसमें इंटीजर पार्ट है या रैशनल पार्ट है उसको हटाना है, उसको p और q की तरफ ले जाना है, और जो इरेशनल पार्ट है उसको एक साइड रखना है। समझ में आ गया सब बच्चों को या नहीं? Yes, sir. ये जो मिक्स नंबर है इसमें से रैशनल पार्ट अलग कर दो, ठीक है। अब ये -√3 है, माइनस को भी हटा देते हैं, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, एक ही लाइन लिखनी है क्योंकि ये इजी है। यस 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 यस, इंटीजर वाले पार्ट बेटे, रेशनल वाले पार्ट एक साइड, ऐसे सिंपलीफाई करके लिख दो थोड़ा सा, एलसीएम आएगा क्यू, तो ये हो जाएगा 5q - p इज इक्वल्स टू √3, बस इतना ही लिखना है, आगे तो स्टेटमेंट लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मुझे आप एक एक करके बताओ, 5 क्या है, इंटीजर, इंटीजर उसके साथ क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5q क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर, पूरा का पूरा इंटीजर हो जाएगा, तो 5q इंटीजर हो गया। उसमें से मैंने p माइनस किया, p क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर, इंटीजर। अच्छा नीचे q क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल, रैशनल, यही लिखना जो हमने बोला है ना, ये लिखना है, तो राइट साइड हो गया रैशनल। लेकिन उसने कहा था कि गिवन है कि भाई √3 इरेशनल है। अब आप क्या कहोगे कि हमारा लेफ्ट साइड इंटीजर अपॉन इंटीजर इज रैशनल, बट हमें पहले से ही पता है राइट साइड इरेशनल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल? जोया क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक साइड तो रैशनल हो, दूसरी साइड इरेशनल हो और दोनों इक्वल हो, ऐसा है कभी? नो सर, नहीं, क्या हो गया ये, क्या कहेंगे इसको, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये कहेंगे कंट्राडिक्शन, क्या कहेंगे, कंट्राडिक्शन, ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया, इस रैशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, इट इज कंट्राडिक्शन। अगर कंट्राडिक्शन है तो क्यों हुआ, क्यों हुआ बेटे, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन,
अवर रॉन्ग अजम्पशन. यस, अब रॉन्ग अजम्पशन क्या है, हमने इसको रेशनल माना था, तो ये रेशनल नहीं है, तो फिर क्या है? इरेशनल. दैट्स इट. अब तो यहाँ बस स्टेटमेंट लिखना है, क्वेश्चन तो इतना ही था बेटे. तो क्या लिखोगे यहाँ, देखो क्या लिखोगे. P and Q are integers. Here P and Q are integers. So 5Q minus P upon Q is rational. So root 3 is rational. ठीक है, but it is contradiction. Of fact that root 3 is irrational. बात समझ में आ गई भाई? भाई लेफ्ट अगर रैशनल है तो राइट भी रैशनल है, बट ये तो कंट्राडिक्शन है. किसका कंट्राडिक्शन? के फैक्ट तो ये है रूट 3 इरेशनल है, तो इट इज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन. इट इज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन. अब अगर रॉन्ग अजम्पशन है तो लिख दीजिए 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे आप बोर्ड में क्वेश्चन दिया था, मान लीजिए आपसे कहते 3 प्लस 2 रूट 5, तो ठीक है हम इसको रैशनल मानेंगे, पी बाई क्यू करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 को भी इधर ले जाएंगे. अब हम क्या लिखेंगे कि ये रैशनल है, राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट भी रैशनल है, बट इट इज कंट्राडिक्शन दैट रूट 5 इज इरेशनल ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन एंड सो आवर नंबर इज इरेशनल. क्लियर है सर सब बच्चों को? यस सर.